Good morning, students. Today, we will read General Rules of Conversion, Active Voice to Passive Voice. आज हम पढ़ेंगे उन रूल्स को जिनके अकॉर्डिंग हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. इन दिस रूल नंबर वन इज द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट. इनमें सबसे पहले ये आता है कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं जो अब तक आपने पढ़े हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस जो मैंने आपको टेंस में कराए थे. इसमें क्या होता है कि एक डूअर होता है, एक रिसीवर होता है. जो डूअर होता है मींस जो सब्जेक्ट है, जो वो काम करता है, राइट. जब डूअर सब्जेक्ट बनता है, काम करने वाला, तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस, राइट. और जो रिसीवर है मींस जिस पे काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है, एक्टिव वॉइस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई मेक टी, मैं चाय बनाती हूँ, आई मेक टी, राइट. तो इसमें डूअर क्या है, आई, राइट. और रिसीवर क्या है इसमें, टी. इट मींस क्लियर है ये कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट ही बन रहा है, इसीलिए ये कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस. सबसे पहले आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क करना आना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक्टिव वॉइस है या फिर ये पैसिव वॉइस है, राइट. तो जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट. जैसे कि अब यहाँ पे क्या था इस सेंटेंस में, आई मेक टी में आई सब्जेक्ट था, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. एंड द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. की जो पैसिव एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट. इट मींस कि इंटरचेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं आपस में. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, राइट. इन रूल नंबर टू, पुट बाय इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. कि जब आपने उसको चेंज किया है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, आपने सब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था जैसे आए था, राइट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें क्या था, आए, तो उस सब्जेक्ट को जब आपने ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, बाय, राइट. तो बाय के बाद क्या लगेगा, वो सब्जेक्ट जो किस में था, एक्टिव वॉइस में था. इन रूल नंबर थ्री, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इज एम आर वॉज वर बीन बींग अकॉर्डिंग टू द टेंस इन द पैसिव वॉइस. कि हम उसमें क्या करते थे, एक्टिव वॉइस में हम क्या करते थे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती थी और उसके बाद हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चेंज करते थे ना वर्ब्स को, जो मेन वर्ब्स होती थी उनको. ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो वर्ब्स है, इज एम आर वॉज वर बीन बींग, ये सब तो चेंज होंगी एक्टिव वॉइस में. जो वो टेंस था ना, जैसे अब इसमें क्या टेंस था, इसमें आई मेक टी, इसमें था सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग हम इनमें से हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे, इज एम आर वॉज वर्ब में से, राइट. और जो मेन वर्ब है वो ऑलवेज किस में होगी, थर्ड फॉर्म में. ये पैसिव वॉइस का रूल है कि जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा ऑलवेज किस में होगी, थर्ड फॉर्म में, वी थ्री यूज होगा उसमें उसका, राइट. नाउ सम चेंजेस आर देयर इन प्रोनाउंस, जो कि आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त ध्यान देना है कि वो प्रोनाउन आप कैसे चेंज करेंगे. इसलिए देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो ये वाले प्रोनाउंस है, जैसे नंबर वन पे है आई, तो आई किस में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में, मी बन के, राइट. एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में जब हम उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, जैसे कि आई मेक टी, तो हमें आए तो सब्जेक्ट बनाना है, जो मींस जो सब्जेक्ट है ये आए, हमें ये ऑब्जेक्ट में तो चेंज करना है, लेकिन ये किस में चेंज होगा, मी में, राइट. तो क्या हो जाएगा, बाय
मी, बाय भी लगाना है ना आगे, इसलिए. नाउ द सेकंड इज ही. ही किस में चेंज होगा? हिम में. बाय हिम. यू है तो बाय यू. वी है तो बाय अस. अब वी है वी, अवर, अस, यही होता है जैसे पहले में होता है आई, माई, मी. ही, हिज, हिम. तो जो हिम है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट होगा. यू, योर, यू. आपने ये टेबल पढ़ी थी ना, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी क्या होगा? यू ही होगा, राइट? सपोज कीजिए अगर सब्जेक्ट शी दिया गया है, शी, तो वो किस में चेंज होगा? शी, हर, हर. तो ये वाला जो लास्ट वाला हर है वो यहाँ पे है. दे, देयर, देम, देम में चेंज हो जाएगा. इट, इट्स, इट. तो इट किस में चेंज होगा? इट में ही. एंड हु किस में चेंज होगा? हुम में, राइट? तो ये आपको प्रोनाउंस जो है उनको ध्यान में रखना है. नाउ द रूल नंबर 5 इज देयर इज नो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट? इसका मतलब क्या है? जो लास्ट वाले टेंस होते थे आपको याद है, प्रेजेंट में लास्ट टेंस होता था ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे हम क्या यूज करते थे? हैज बीन प्लस वी वन आई एन जी, हैड बीन प्लस वी वन आई एन जी. ऐसे ही वो उसी के अकॉर्डिंग किस में? फ्यूचर में भी होता था. तो क्योंकि वहाँ पे बीन पहले से ही लगा हुआ है ना, बी डबल ई एन, ये किसकी थर्ड फॉर्म होती है? बी वॉज बीन की. इसीलिए ही हम इन तीनों टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, राइट? नंबर 6 इज, रूल नंबर 6 इज जनरली पैसिव वॉइस कैन बी मेड ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स विच हैव एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू देम. आपको याद है ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब में बताया गया था, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाली होती हैं जिनको सेंटेंसेस में उनकी सेंस कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की, राइट? जैसे कि आई ब्रिंग अ न्यू कार, ठीक है? या फिर आई बाय अ न्यू ड्रेस. तो आई बाय कर दिया मैंने कि आई बाय, मैं खरीदती हूँ, लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं क्या खरीदती हूँ, तो इसकी क्या हो गई है? सेंस इनकम्प्लीट है, राइट? तो इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ना, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंस के लिए, परफेक्ट सेंस के लिए, तो वही पैसिव वॉइस बन सकते हैं. नाउ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर वो एक्टिव वॉइस में दिया गया है, जैसे अभी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए थे, वो एक्टिव वॉइस के थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही थे. तो अगर हम उसमें देखते हैं तो उसकी जो रूल्स थे वो क्या होते थे? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वी वन एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. आपको पता है एस और ई एस मीन्स कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते थे, और अगर वो प्लूरल होता था तो हम उसको वी वन ही रहने देते थे, वर्ब को हम ऐसे ही रखते थे प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अब अगर हम इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो इसमें क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आई मेक टी था, तो टी जो है अब आगे आ जाएगा, टी प्लस इज, क्योंकि टी तो सिंगुलर ही है ना, तो टी के साथ क्या आ जाएगा? इज, टी इज, राइट? वी थ्री है तो मेक थी वहाँ पे वर्ब, तो क्या हो जाएगा? टी इज मेड बाय, आई को किस में चेंज करना है? मी में. टी इज मेड बाय मी, राइट? तो इसमें अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते. जैसे फर्स्ट में दिया गया है ही राइट्स अ लेटर, तो ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ए लेटर सिंगुलर भी है, राइट? तो देखिए अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही को किस में चेंज करना था हमें? हिम में. इन सेकंड सेंटेंस ही डजंट राइट अ लेटर, राइट? तो क्या होगा इसमें? अ लेटर आगे आ जाएगा,
अ लेटर, अब देखिए नेगेटिव है, हमें इसको भी नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा. अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, राइट. इन थर्ड स्टेंस डज ही राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या हो जाएगा, इज ए लेटर रिटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क. और जो बाकी के सेंटेंसेस भी हैं हम उनको उसी अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. जैसे लास्ट वाले सेकंड लास्ट में देखते हैं, दे सेल बुक्स. बुक्स क्या है, प्लूरल है, दैट्स व्हाई बुक्स आर सोल्ड बाय देम फुल स्टॉप. बुक्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, एम भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, आर यूज़. इन लास्ट इज शी हेल्प्स मी. शी हेल्प्स मी को आप चेंज करेंगे तो मी क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना इसमें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट. आई एम हेल्प्ड बाय हर. हम इसको इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. थैंक यू.